ओके बच्चों, अब हम लोग देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल का ही एक और पार्ट है कि एरिया जो कवर होता है आपका द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय ए कर्व एंड ए लाइन, एक कर्व और एक लाइन के बीच में जो एरिया कवर हो रहा है उसको हम लोग कैसे निकालेंगे। टॉपिक है हमारा द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय ए कर्व, एक कर्व और एक लाइन दोनों के बीच में जो एरिया कवर हो रहा है उस एरिया को कैसे निकालेंगे। हम लोग पुराने वीडियो में ये सीख चुके हैं कि एरिया अंडर ए कर्व, एरिया अंडर सिंपल कर्व और एक्स एक्सिस या सिंपल कर्व और वाई एक्सिस के बीच में एरिया कैसे निकलता है, जो कि एक्सरसाइज 8.1 में है। 8.1 एक्सरसाइज के अंत में ही ये टॉपिक है हमारा द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय ए कर्व, एक कर्व और एक लाइन के बीच का जो एरिया बनता है वो कैसे निकलेगा। ओके, तो हम लोग एक क्वेश्चन उठाते हैं एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 10। इसमें हमारे कर्व दिया गया है, कर्व का नाम एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y जो कि एक पैराबोला है और दूसरा एक लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है एक्स इक्वल टू 4y माइनस 2, ये एक लाइन का इक्वेशन दिया है। इन दोनों के बीच में जो एरिया कवर होगा उस एरिया को निकालना है। तो इसको निकालने के लिए हम लोग, ये चूंकि पैराबोला है और ये हमारा लाइन है तो दोनों का रफ स्केच चेक करना है। पैराबोला के लिए कुछ ज्यादा माथा पची नहीं करना है, केवल यह पहचान कर लीजिए कि जो सी कर्व बनाना है वो किधर ओपन होगा। चूंकि एक्स का वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी ले सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, लेकिन स्क्वायर होने की वजह से पॉजिटिव, अर्थात तो वाई हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो वाई हमेशा पॉजिटिव के तरफ में एक सी कर्व बना दिया, आप सिंपली पैराबोला के लिए एक सी कर्व बना दिए, हो गया रफ स्केचिंग किसका, पैराबोला एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y। इससे यदि एक्स का वैल्यू निकालेंगे तो स्क्वायर उधर चला जाएगा तो रूट अंडर 4y, और रूट अंडर 4y को लिख सकते हैं 2 टाइम्स रूट वाई, क्योंकि 4 तो 2 का स्क्वायर होता है वो रूट से बाहर आ जाएगा, तो 2 टाइम्स रूट वाई। ये हो गया आपका रफ स्केचिंग में पैराबोला का एक ग्राफ आपने प्लॉट कर लिया। दूसरा एक्स इक्वल टू 4y माइनस 2, अब ये दोनों ग्राफ पैराबोला और स्ट्रेट लाइन कहां इंटरसेक्ट कर रहा है, इंटरसेक्ट जहां करेगा वो एक कॉमन पॉइंट होगा जो कि लाइन पर भी लाई करेगा और पैराबोला पर भी लाई करेगा। तो जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उसको निकालने के लिए दोनों इक्वेशंस को हमको सॉल्व करना होगा। तो आप रफ में इसको आप सॉल्व कर ले, दोनों को सॉल्व करने के लिए हम लोग पैराबोला की इक्वेशन को स्टार्ट करते हैं। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू वाई, वाई का वैल्यू हम लोग इक्वेशन नंबर 2 से निकाल ले। इक्वेशन नंबर 2 से वाई का वैल्यू निकालेंगे तो देखिए क्या आएगा, 4y इज इक्वल टू आपका हो गया x+2। तो यहां से वाई का वैल्यू आप निकाले, वाई का वैल्यू आ गया x+2 / 4, और इस वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर 2 से निकाले, इसको सब्स्टिट्यूट कर दे इक्वेशन नंबर 1 में, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू x+2 / 4, 4 कैंसिल हो गया इज इक्वल टू आ गया x+2। एक्स प्लस टू को लेफ्ट हैंड साइड में ले आए, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको फैक्टराइज कर दे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दे। अब इसमें से एक्स कॉमन निकाल, एक्स माइनस 2 प्लस 1 आखिरी दो में कॉमन निकाल, एक्स माइनस 2 दोनों में से एक्स माइनस 2 को कॉमन निकाल लिए, एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब बारी बारी से आइदर एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0 लिखे तो सॉल्व करने से एक्स इक्वल टू 2 आएगा, और एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 लिखे तो एक्स इक्वल टू आएगा -1। तो ये दो वैल्यू आ गए कि कहां कहां इंटरसेक्ट करेंगे, एक्स इक्वल टू 2 और एक्स इक्वल टू -1 पर इंटरसेक्ट करेंगे। अब एक्स इक्वल टू एक्स का वैल्यू टू आप पैराबोला में रखते, एक्स की जगह 2 रख देंगे तो 2 का स्क्वायर 4 / 4, वाई का वैल्यू आ जाएगा 1, एक्स का वैल्यू 2 तो उस समय वाई का वैल्यू पैराबोला का पॉइंट आएगा 1, वहां पर इंटरसेक्ट होगा। दूसरा एक्स इक्वल टू -1 आप रख दे, एक्स इक्वल टू -1 पैराबोला में रखेंगे तो -1 का स्क्वायर 1 / 4, वाई का वैल्यू आ जाएगा 1/4। यही पॉइंट है जहां पर कि एक्स इक्वल टू 2 और वाई इक्वल टू -1, एक्स इक्वल टू 2 तो 1 2 यहां पर प्लॉट कर ले, और y इक्वल टू 1, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट पर लाइन और पैराबोला इंटरसेक्ट करेगा। दूसरा है एक्स इक्वल टू -1, तो निगेटिव एक्स की तरफ आ जाए एक्स इक्वल टू -1 और वाई का वैल्यू उसमें 1/4, ये लेवलिंग हो गया उस पॉइंट का, नोमिने उस पॉइंट का लेवलिंग कर दे, पॉइंट का नाम लिख दे, यहाँ पर एक्स इक्वल टू -1, 1/4, और पहले यहाँ पर हम लोग पॉइंट दर्शा चुके हैं एक्स इक्वल टू 2 और 1, ये दोनों पॉइंट्स होता हुआ ये स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल टू x+2 / 4 ये स्ट्रेट लाइन पास करेगा। तो ये हमारा रफ स्केचिंग हुआ, उसके बाद इसका लेवलिंग हो गया। आप सवाल नहीं भी बनाते, केवल ये ग्राफ आपका सही है तो आपको 100% है कि ग्राफ का मास आपको प्राप्त हो जाएगा। ग्राफ का मास
वो क्वेश्चन पर डिपेंड करता है, कभी कभी क्वेश्चन बहुत सिंपल होता है, ग्राफ पर 2 मार्क्स रहते हैं या कभी 1 मार्क्स रहते हैं, तो दैट डिपेंड अपॉन द क्वेश्चन। तो अब हम लोग निकालेंगे कि एरिया स्ट्रेट लाइन और ये पाराबोला के बीच का एरिया कौन सा है, उसको साइडेड करेंगे। तो आप लोग स्ट्रेट लाइन को सबसे पहले देखिए कि ये आपका स्ट्रेट लाइन है और ये आपका पाराबोला है, इसके बीच का ये वाला पोर्शन आपका साइडेड रीजन हो गया। ये पोर्शन जो पहले से साइडेड किया गया, ये पोर्शन आपका साइडेड है, इसी रीजन का आपको एरिया निकालना है, ये आपका टारगेट हो गया। इस रीजन को हम लोग नाम, इस रीजन के एरिया का नाम दे दिए ए, तो आपको ए निकालना है। अब इसका एरिया निकालने के लिए हम लोग अब यहां पर ध्यान से देखिए कि आपको करना क्या होगा, आपका अप्रोच क्या होगा। अप्रोच ये होगा कि ये जो लाइन है आपका लाइन और ये दो बाउंड्री एक्स इक्वल टू माइनस वन और एक्स इक्वल टू टू के बीच का एरिया निकालेंगे। तो उसके बीच का एरिया निकालेंगे तो आपका ये साइडेड रीजन का एरिया तो निकलेगा ही, उसके अलावा आपका ये रीजन भी निकल जाएगा और ये रीजन भी, ये भी एक्स्ट्रा रीजन का एरिया आपको इसमें निकल जाएगा। तो सबसे पहले एरिया अंडर द लाइन निकालते हैं। एरिया अंडर द लाइन में हमारा जो रिक्वायर्ड रीजन है ए, वो तो निकलेगा ही निकलेगा, और साथ में निकल जाएगा ये जो दो टिक किया हुआ पोर्शन है, इन दोनों का भी एरिया निकल जाएगा। लेकिन हमको वो रीजन नहीं चाहिए, हमको केवल साइडेड रीजन का एरिया चाहिए, एरिया बिटवीन द पाराबोला एंड लाइन के बीच में। तो अब नेक्स्ट में फिर क्या करेंगे, एरिया अंडर द पाराबोला निकालेंगे। ये पाराबोला, पाराबोला और एक्स एक्सिस के बीच में जो एरिया बन रहा है, एक ये जो टिक वाला पोर्शन है और ये एक टिक वाला पोर्शन, इस एरिया को निकालेंगे और इन दोनों एरिया को हम लोग इसमें से डिडक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे। जैसे ही आप आउट करेंगे तो आपका रिक्वायर्ड रीजन का जो एरिया है वो एरिया आपका आसानी से निकल जाएगा। अब एरिया अंडर द कर्व का सिंपल सा एक ही फॉर्मूला है, कर्व आपको ये सिंपल कर्व है, इसमें आपने डीएक्स थिकनेस है स्मॉल सेगमेंट लिया, इसका लेंथ को आप वाई ले लिए, तो वाई डीएक्स का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, बाउंड्री दे देंगे एक्स इक्वल टू माइनस वन से एक्स इक्वल टू टू। तो आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। एरिया ऑफ द साइडेड रीजन, एरिया ऑफ द साइडेड रीजन के लिए वाई डीएक्स का फॉर्मूला लगाइए, लेकिन वाई पहला किसके लिए होगा, वाई होगा सबसे ऊपर वाले कर्व के लिए, ऊपर वाला कर्व उसको हम लोग एज ए हम लोग लाइन जान रहे हैं, लाइन है वो, इसलिए हम लोग वाई यहाँ पर लाइन लिखे समझने के लिए। फॉर्मूला मेरा वाई डीएक्स ही है, लेकिन ये वाई किसके लिए है, लाइन के लिए, इसलिए यहाँ पर लाइन लिख दिए। और कहां से कहां हम लोग का बाउंड्री है, एक्स इक्वल टू माइनस वन से लेकर एक्स इक्वल टू टू तक बाउंड्री है, यहां तक का एरिया निकालेंगे। लेकिन इसमें कुछ एक्स्ट्रा एरिया निकल गया, इसलिए उसको हमको आउट करना है, आउट करने का मतलब माइनस करना है। तो माइनस करेंगे किसके, किसको माइनस करेंगे, एरिया अंडर द पाराबोला, पाराबोला और एक्स एक्सिस के बीच में जो दो टीक वाला पोर्शन है, जो एरिया निकल गया, उस एरिया को हम लोग यहां से आउट कर देंगे, इसको हम लोग आउट कर देंगे, ये क्रॉस इसको निकाल देंगे। तो माइनस वाई डी एक्स, फिर हम लोग इसके लिए भी वही फॉर्मूला सेम ही रहेगा, वाई डी एक्स और इंटीग्रेशन का बाउंड्री भी सेम रहेगा, एक्स इक्वल टू माइनस वन से लेकर एक्स इक्वल टू टू तक ही करना है। लेकिन इस बार जो वाई लेना है वो वाई किसका होगा, पाराबोला का। ये जैसे ही उसमें से आउट हो जाएगा तो केवल हमारा केवल और केवल साइडेड रीजन का एरिया हो जाएगा, अर्थात लाइन और पाराबोला के बीच में, इन बिटवीन लाइन और पाराबोला के बीच का एरिया निकल जाएगा। अब आइए वाई के, वाई लाइन के लिए क्या है, लाइन के लिए वाई का वैल्यू एक्स प्लस टू डिवाइडेड बाई फोर, तो वाई के लिए, वाई जो लाइन के लिए है उसका वैल्यू रख दे एक्स प्लस टू डिवाइडेड बाई फोर डीएक्स, इंटीग्रेशन माइनस वन से लेकर टू तक करना है, माइनस आउट करना है। y पाराबोला का कितना है, पाराबोला का y एक्स स्क्वायर बाई फोर माइनस वन से टू डीएक्स। अब इसको सिंप्लीफाई कर दे, यहाँ कांस्टेंट है 1/4, इसको आउट, x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस टू डीएक्स का इंटीग्रेशन टू आउट हो गया, तो dx का x 2x, इंटीग्रेशन माइनस वन से टू माइनस यहाँ 1/4 कांस्टेंट इसलिए आउट, और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई थ्री माइनस वन से टू। अब इसको सॉल्व करें, सबसे पहले अपर लिमिट रखे 1/4 कांस्टेंट है आउट, पहले 2 रख दे तो 2 का स्क्वायर 4 डिवाइडेड बाय 2 ये हो गया 2 प्लस 2 इंटू 2 ये हो गया 4 माइनस, अब आपको सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस क्या करेंगे, माइनस 1 रखेंगे इसके जगह, तो माइनस 1 का स्क्वायर 1 डिवाइडेड बाय 2 तो माइनस 1/2, फिर माइनस आपको करना है, माइनस करना है और एक्स का वैल्यू भी माइनस है, तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगी, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, माइनस 2 इंटू माइनस 1 जो कि हो गया प्लस 2 माइनस 3 जो कि कांस्टेंट है इसलिए आउट कर दिया, माइनस 1/12, सबसे पहले अपर लिमिट रखे 2 का पावर 3, 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 8 हो जाएगा, माइनस माइनस 1 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका वैल्यू माइनस 1 आएगा, और आपको माइनस भी करना है लोअर लिमिट को, तो माइनस और माइनस 1 दोनों मिलकर हो गया प्लस 1, इसलिए हो गया 9। अब सॉल्व कर ले, 4 प्लस 2 6 प्लस 2 8,
तो ब्रैकेट में होंगे 8 माइनस 1 बाई 2, इसमें 1 बाई 4 मल्टीप्लाई है, माइनस 8 प्लस 1 हो गया 9 बाई 12। अब इसको सॉल्व कर दे, 8 टू जै 16 माइनस 1, 16 माइनस 1 हो गया 15, डिवाइडेड बाई 2 इंटू 4 हो गया 8 माइनस 9 बाई 12। 9 बाई 12 को 3 से कैंसिल करें तो 3 3 जै 9 और 3 4 जै 12। इन दोनों का एलसीएम ले ले, 8 एलसीएम हो गया तो 15 माइनस और 4 2 जै 8 तो 2 मल्टीप्लाई हो गया 3 में, तो 2 3 जै 6, 15 माइनस 6 आ गया 9 बाई 8। और चूंकि ये एरिया है तो एरिया के लिए यूनिट दे दिया स्क्वायर यूनिट्स। तो इस तरह से आप एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाई ए कर्व एंड ए लाइन, एक कर्व और लाइन के बीच में जो एरिया बनता है उसको आप इस तरह से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। आखिरी एक टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें ज्यादातर क्वेश्चन बोर्ड में इसी से आते हैं, एरिया बिटवीन टू कर्व्स, दो कर्व्स के बीच का एरिया, दो कर्व आपको खींचना है और उनके बीच का एरिया आपको निकालना है। इसमें चलिए हम लोग एक क्वेश्चन उठाते हैं, एक्सरसाइज 8.2 पहला ही क्वेश्चन उठाते हैं। इसमें दो कर्व दिया है, पहला कर्व का नाम है 4x² + 4y² = 9। तो आप जानते हैं ऑलरेडी ये किसका इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ सर्कल का है। इसमें x² y² दोनों में 4 कॉमन है, दोनों का कोफिशियंट सेम है, कॉमन निकालकर इसको राइट हैंड साइड में भेज दिया, तो 4 कॉमन निकालिए तो x² + y² और 4 को राइट हैंड साइड में भेज दिए तो आ गया x² + y² = 9/4, जिसको कि 3/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ये सर्कल का इक्वेशन हो गया जिसका सेंटर हो गया 0 0 एंड रेडियस कितना हो गया 3/2 यूनिट्स, ये रेडियस हो गया सर्कल। तो रफ स्केच में एक सर्कल बना ले जिसका कि आपका रेडियस 3/2 यूनिट 1.5 यूनिट्स हो, वैसा एक सर्कल आप बना दे। ये सर्कल का इक्वेशन हो गया x² + y² = 9/4, इक्वेशन नंबर 1। और दूसरा है पैराबोला x² = 4y, इसको सॉल्व करके आप y = x² / 4 भी लिख सकते हैं। इस पैराबोला में क्या है कि x पॉजिटिव हो या निगेटिव हो आपका y हमेशा पॉजिटिव रहेगा, मतलब पॉजिटिव y के तरफ में आप एक सी आकृति इस तरह से आप बना दें। तो ये आपका रफ स्केचिंग हो गया, ये पैराबोला प्लॉट हो गया और ये आपका सर्कल प्लॉट हो गया। अब ये दोनों कहां इंटरसेक्ट करेंगे, यदि आप इसको ग्राफ पेपर पर प्लॉट नहीं किए तो आपको रफ में इसको सॉल्व करके इनके इंटरसेक्शन प्वाइंट पता लगाने होंगे। अगर आप ग्राफ पेपर पर प्लॉट करेंगे इनको सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं, वो आपके इंटरसेक्शन प्वाइंट एग्जैक्टली निकल जाएंगे। लेकिन एग्जाम में हम लोग इसको ग्राफ पेपर में ज्यादा समय लगता है बनाने में, इसलिए रफ स्केचिंग के द्वारा ही बनाते हैं और इसको हम लोग रफ में कैलकुलेट करके इसका इंटरसेक्शन प्वाइंट निकाल लेते हैं। जैसे हम लोग यहां निकालते हैं सर्कल के इक्वेशन में x² का वैल्यू हम लोग पुट कर देते हैं, x² की जगह 4y + y² = 9/4, 4 मल्टीप्लाई हो गया 4y² + 16y = 9, 9 को लेफ्ट हैंड साइड में लिया है तो -9 = 0। अब इसको फैक्टराइज कर दे, 4y² + 16y = 18y - 2y - 9 = 0, 2y कॉमन निकाल ले तो 2y + 9 आ गया, -1 लास्ट 2 में कॉमन निकाल ले 2y + 9, दोनों में 2y + 9 को कॉमन निकाले तो 2y - 1 = 0। तो आइदर 2y + 9 = 0 होगा या 2y - 1 = 0। यदि 2y = 9 लेंगे तो y का वैल्यू आ जाएगा -9/2, जो कि पॉसिबल नहीं है, इज नॉट पॉसिबल। क्यों नहीं पॉसिबल है, क्योंकि इस वैल्यू को यदि y का वैल्यू को आप रख देंगे इक्वेशन नंबर 2 में रख देंगे तो x² = क्या होगा 4 × y का वैल्यू -9/2, तो 2 कैंसिल हो जाएगा तो -18 आ जाएगा, -18 x² = -18। तो इससे x का कभी भी रियल वैल्यू आपको प्राप्त नहीं होगा, इमेजिनरी वैल्यू मिलेगा, इसलिए इस वैल्यू को हम लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। केवल दूसरा वैल्यू लिए y = 1/2, इक्वेशन नंबर 2 में आप रख दें, 1/2 रखने से x² का वैल्यू आ गया 2, तो x का वैल्यू +2√2 भी हो सकता है, -√2 भी, अर्थात आपका पैराबोला और ये सर्कल कहां कट करेगा, कट करेगा x = √2 एंड y = 1/2 पॉइंट। इस इंटरसेक्शन पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा x = √2 और y = 1/2। सिमेट्रिसिटी से इधर होगा x = -√2 और y = 1/2 पॉइंट। तो आपने क्या किया, पहला रफ स्केचिंग का काम कि आपने सर्कल का ग्राफ खींच लिया, उसके बाद पैराबोला का भी ग्राफ खींच लिया, खींचने के बाद फिर लेवलिंग कर दिए कि इंटरसेक्शन पॉइंट, दोनों को सॉल्व करके इंटरसेक्शन पॉइंट का नाम लिख दिए। अब हम लोग शेडेड रीजन निकालेंगे कि हम लोग को कौन सा एरिया पूछा जा रहा है, पूछा जा रहा है कि सर्कल और पैराबोला के बीच में बनने वाला एरिया को निकालिए। तो आप देखिए पैराबोला ये है और सर्कल आपका ये है, इन दोनों के बीच में ये एरिया आपका बन रहा है, इस एरिया को आपको निकालना है।
तो इस एरिया को निकालने के लिए सिमेट्रिसिटी से वाई एक्सिस के इधर जो भी एरिया बन रहा है सेम एरिया आपका इधर भी बन रहा है, तो आप किसी एक तरफ का एरिया निकाल ले और उसी को डबल कर दे तो आपका आंसर मिल जाएगा। तो हम लोग इधर का एरिया निकालते हैं, इधर का एरिया निकाले हम देखिए दो ग्राफ, एक ग्राफ है आपका सर्कल और दूसरा है यहाँ पैराबोला। तो हम लोग सबसे पहले निकालते हैं इन दोनों के बीच का एरिया, ये पोर्शन है, ये जो आपका शेडेड किया गया ये पोर्शन है, इस पोर्शन को निकालना है आपको, ये अलग पोर्शन आपको निकालना है। तो इस पोर्शन को निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले इस सर्कल और एक्स एक्सिस और ये दो बाउंड्री, वाई एक्सिस का इक्वेशन होता है एक्स इक्वल टू जीरो और ये बाउंड्री है आपका एक्स इज इक्वल टू रूट टू, इन दोनों के बीच में और इस सर्कल के बीच में बनने वाले टोटल एरिया को निकाल देते हैं और उस टोटल एरिया में से फिर हम लोग यहां पर आउट कर देंगे ये वाला एरिया जो पैराबोला और एक्स एक्सिस के बीच में बन रहा है और ये दो बाउंड्री के बीच में बन रहा है, इसको आउट कर देंगे तो ये शेडेड रीजन का एरिया हमारा प्राप्त हो जाएगा और इसी का डबल कर देंगे तो ये टोटल एरिया अंडर द सर्कल एंड पैराबोला के बीच के बनने वाले एरिया निकल जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग वाई डी एक्स का फॉर्मूला किसके लिए अप्लाई करेंगे, सर्कल के लिए अप्लाई करेंगे, फिर उसमें से आउट करेंगे माइनस करेंगे किसको, एरिया अंडर द पैराबोला वाई इक्वल टू वाई डी एक्स अप्लाई करेंगे फॉर्मूला, वो हम वाई किसके लिए लेंगे पैराबोला के लिए। तो आइए हम लोग रिक्वायर्ड एरिया निकालते हैं, रिक्वायर्ड एरिया के लिए आप समझ लिए टू से क्यों मल्टीप्लाइड किए, क्योंकि उधर हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट का जो एरिया निकालेंगे वही सेम एरिया आएगा सेकंड क्वाड्रेंट में, तो सेकंड क्वाड्रेंट में निकालने की जरूरत नहीं है, सिमेट्रिसिटी से आप डायरेक्ट टू टाइम्स ए कर सकते हैं। अब ए निकालने के लिए वाई एक्सिस के फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एरिया बन रहा है उसको निकालने के लिए क्या करेंगे आप, सबसे पहले एरिया अंडर द सर्कल, सर्कल के अंदर जो एरिया बन रहा है वाई डी एक्स का फॉर्मूला यूज करेंगे, सी फोर यहां लिखा गया है सर्कल के लिए, सर्कल के अंदर और एक्स एक्सिस के बीच में और दो बाउंड्री एक्स इक्वल टू जीरो और एक्स इक्वल टू रूट टू के बीच में जो एरिया बन रहा है उसको निकालिए, उसमें से आउट कर दीजिए, फिर वाई डी एक्स का फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, इस बार वाई किसके लिए लेंगे पैराबोला के लिए लेंगे कि पैराबोला और एक्स एक्सिस के बीच में जो एरिया बन रहा है और दो बाउंड्री एक्स इक्वल टू जीरो और एक्स इक्वल टू रूट टू के बीच में जो एरिया बन रहा है उसको आउट कीजिए, तो वो हो जाएगा आपका एरिया ए, इस एरिया ए को टू से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आपका रिक्वायर्ड रीजन का एरिया निकल जाएगा। सर्कल के लिए वाई क्या लिखेंगे, सर्कल के लिए वाई लिखना है तो एक्स स्क्वायर को राइट हैंड साइड में भेज दीजिए, एक्स स्क्वायर को राइट हैंड साइड में भेज देंगे तो आपको वाई इक्वल टू आ जाएगा रूट अंडर 9 बाय 4 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट अंडर 9 बाय 4 माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स। और पैराबोला का वाई क्या आ जाएगा, पैराबोला का वाई निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर बाय 4 डीएक्स, इंटीग्रेशन 0 से रूट 2 ही रहेगा। अब इसको सॉल्व करें, रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये स्पेशल इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है, सबसे ज्यादा इसी फॉर्मूला का जरूरत आपको इस चैप्टर में होता है, एरिया अंडर द कर्व में रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स वाला ही फॉर्मूला सबसे ज्यादा यूज होता है, इसका फॉर्मूला भी इजी है। सबसे पहले आप लिखेंगे एक्स रूट अंडर जो भी दिया गया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, एक्स रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस ए स्क्वायर बाई 2, ए स्क्वायर है हमारा 9 बाई 4 डिवाइडेड बाई 2, ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए, यहाँ ए है तो एक्स डिवाइडेड बाई ए क्या है, ए है 3 बाई 2 का होल स्क्वायर, तो ए का वैल्यू है हमारा 3 बाई 2, तो 3 बाई 2 लग गई, माइनस 1 बाई 4 कॉन्स्टेंट था आउट इंटू एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यू बाई 3, चूंकि दोनों का लिमिट सेम है 0 से रूट 2 तो 0 से रूट 2 आप रख दो। अब सबसे पहले अपर लिमिट सभी में पुट करें, अब रूट टू पुट करेंगे तो एक्स के जगह पर रूट टू इंटू रूट टू का स्क्वायर, रूट टू का स्क्वायर करेंगे ये 2 हो जाएगा, एलसीएम ले लेंगे तो 2 में 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा 8, तो 9 माइनस 8 ये आ गया 1 बाई 4, 1 बाई 4 को हम लोग लिख सकते हैं चूंकि 1 बाई 4 रूट के अंदर में, उसको लिख सकते हैं 1 बाई 2 और टोटल में है डिवाइडेड बाई 2। अब यहां 9 बाई 4 में आप 2 से डिवाइड किए, 2 से डिवाइड करने का मतलब 2 बाई 1 है, इसको उल्टा करेंगे तो इंटू 1 बाई 2 हो जाएगा, 1 बाई 2 से मल्टीप्लाई तो 9 बाई 4 इंटू 1 बाई 2 आ गया 9 बाई 8, साइन इनवर्स ये 2 ऊपर चला गया तो 2 बाई 3 और x के जगह आप रख दिए रूट 2 तो 2 रूट 2 बाई 3 माइनस, अब इस x के जगह रूट 2 रखेंगे, रूट 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो दो बार मल्टीप्लाई करेंगे एक 2 आएगा, उस 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 4 कैंसिल होगा 2 टाइम्स तो 2 इंटू 3 आ जाएगा 6 माइनस, और एक रूट 2 बच गया तो माइनस रूट 2 बाई 6। अब रूट 2 को एक साथ कर दे, यहां 2 बाई 1 है ये ऊपर जाने से आ जाएगा 1 बाई 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर का वैल्यू
तो रूट टू इंटू वन बाई टू इंटू वन बाई टू या गया रूट टू बाई फोर माइनस रूट टू बाई सिक्स प्लस नाइन बाई एट टाइम्स साइन इनवर्स टू रूट टू बाई थ्री। और माइनस यदि आप लोअर लिमिट जीरो पुट करते हैं तो पहला ये एक्स का वैल्यू जीरो होने से टोटल वैल्यू जीरो आ जाएगा, साइन इनवर्स जीरो का वैल्यू जीरो होता है इसलिए जीरो, और एक्स की यहां पर जीरो रखेंगे तो ये वैल्यू जीरो, इसलिए लोअर लिमिट के वैल्यू को नहीं लिखा गया है। अब इसको सिंप्लीफाई करें, फोर सिक्स का एलसीएम होता है ट्वेल्व, और फोर थ्री जा ट्वेल्व तो थ्री से मल्टीप्लाई होगा थ्री रूट टू, और सिक्स टू जा ट्वेल्व तो टू से मल्टीप्लाई होगा माइनस टू रूट टू प्लस नाइन बाई एट टाइम्स साइन इनवर्स टू रूट टू बाई थ्री। थ्री रूट टू में से टू रूट टू माइनस हो गया तो बच गया एक सिंगल रूट टू, वन टाइम्स रूट टू डिवाइडेड बाई ट्वेल्व प्लस नाइन बाई एट टाइम्स साइन इनवर्स टू रूट टू बाई थ्री, टू से मल्टीप्लाई कर दे तो टू से ट्वेल्व कैंसिल हो गया रूट टू बाई सिक्स प्लस नाइन बाई फोर टाइम्स साइन इनवर्स टू रूट टू बाई थ्री। ये हो गया एरिया, एरिया का यूनिट लिखना नहीं भूलेंगे, स्क्वायर यूनिट्स कर दो। तो इस तरह से आप देखते हैं एरिया बिटवीन द टू कर्व्स में क्या करना है। रफ स्केचिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि रफ स्केचिंग में पहले कर्व दोनों जैसा भी कर्व दिया गया, कभी कभी दो सर्कल दिया रहेगा, कभी दो पैराबोला दिया रहेगा, एक सर्कल एक पैराबोला रहेगा, पहले आप रफ स्केचिंग खींच ले। खींचने के बाद जहां जहां वो इंटरसेक्ट कर रहा है, इंटरसेक्ट करने के लिए इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालने के लिए उन इक्वेशंस को सॉल्व कर ले, सॉल्व करके इंटरसेक्शन पॉइंट का लेबलिंग कर दे। लेबलिंग करने के बाद क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े, और ध्यान से पढ़कर देखें कि साइडेड रीजन कौन सा है, जो भी साइडेड रीजन होगा उस रीजन को साइडेड कर दे। और साइडेड करने के बाद अब उसमें आप देखें कि उसमें फॉर्मूला वाई डी एक्स का लग रहा है या एक्स डी वाई का लग रहा है, बाउंड्री कहां से कहां दिया गया है, और उसमें एरिया अंडर द कर्व का फॉर्मूला ही अप्लाई करना है। एरिया अंडर द कर्व का अप्लाई करके कभी कभी आपको एरिया कहीं जोड़ने की नौबत आएगी, कभी कभी एरिया आपको सब्ट्रैक्ट करने का नौबत आएगा। तो जैसा आपका ग्राफ आएगा उसके हिसाब से आपको ट्रीट करना है। इसमें कोई फिक्स नहीं है कि एरिया अंडर द कर्व हमेशा पहला कर्व में से दूसरा कर्व हम हमेशा माइनस ही करेंगे। अगर दोनों कर्व अलग अलग एरिया को कवर कर रहे हैं तो कभी कभी एरिया हमको वहां पर एड भी करना पड़ता है। तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग टू आपको फॉर्मूला यूज करना है, लेकिन फॉर्मूला इसमें बहुत ही बेसिक फॉर्मूला, केवल वाई डी एक्स या एक्स डी वाई, और दोनों का लिमिट आपको जैसा बाउंड्री दिया रहेगा उसके हिसाब से यूज करना है। इसके बावजूद यदि आपको कोई डाउट्स होता है एक्सरसाइज 8.2 और मिसलेनियस में, तो बहुत ही महत्वपूर्ण एक्सरसाइज है और हमेशा हर बोर्ड एग्जाम में ही आता है। आप सारे क्वेश्चन बनाएं, उसके बावजूद जो डाउट रहता है उस डाउट्स को मेरे इनबॉक्स में जरूर भेज दें ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको सॉल्व करके आप तक पहुंचा सकूं। और वीडियो यदि आपको पसंद आए तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें। ओके, थैंक यू।